नमस्कार दोस्तों, कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपना क्वेश्चन प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज प्रोसेस का थर्ड स्टेप है लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बेसिक क्वेश्चन इससे आ जाता है कि इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं, और इसी के साथ आपका कंप्लीट 10 नंबर का क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा। तो क्या है लैंग्वेज डेवलपमेंट? मेकिंग स्पीच साउंड इज़ द फर्स्ट स्टेप। किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले जो उसका सबसे पहला स्टेप है कि उसके बारे में स्पीच साउंड क्रिएट करना बिफोर मीनिंग एक्सेप्ट। कि उसका छोटे बच्चे होते हैं, वो मीनिंग्स नहीं होते उनके पास, लेकिन सिर्फ वो स्पीच साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मम्मी के साथ रहने पे मामा, उस वर्ड का एक स्पीच साउंड वो क्रिएट करते हैं। दिस स्पीच प्रोसेस इज यूज टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट। जैसे उसने कहा मामा, तो उसने उसको रिप्रेजेंट किया मदर को। और वो सीखता कैसे है? वो सीखता है, एक प्रोसेस बोलते हैं जिसे हम, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसोसिएशन स्टेप। लेकिन उससे पहले उसकी कुछ जो बेसिक्स हैं कि वो अब जो भी सीखता है बिफोर लर्न टू स्पीक, वो अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, इन्वायरमेंट स्टूमलाई से। जैसे कि उसके पास रखे हुए ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स में टॉयज हो गए, पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, जो लोग उसके पास पास में हैं, वो उसका इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। उनके इन्वायरमेंट क्रिएट करने से वो उन लोगों को एज ए स्टूमलस के तौर पे लेता है और उनसे वो चीज़ें ग्रैब करता है और उनको स्पीच लैंग्वेज करने से पहले प्रोसेस करना सीखता है। इस स्टेप में वो ऑब्जेक्ट्स जो मैंने बताए, पेरेंट्स, पेट्स, ऑब्जेक्ट्स, टॉयज एटसेट्रा, इस प्रोसेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है एसोसिएशन स्टेप। क्या है एसोसिएशन स्टेप? बच्चे ने ऑब्जेक्ट्स को देखा, ऑब्जेक्ट्स को देखकर कुछ बोला, उसने उस वर्ड का मीनिंग डिसाइड किया। जैसे हम कहें एक सिंपल भाषा में, उसने मदर को देखा, मदर को देखकर कहा मामा, मदर ने उसका रिस्पॉन्स किया, तो जो मामा वर्ड है वो एसोसिएट हो गया मदर के साथ। मींस अगर उसने जैसे किसी टॉय को देखा तो, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप्स होते हैं प्राइमरी स्टेप्स, वो मामा, बाबा, दादा ऐसे ही रहते हैं, तो उसमें वो एसोसिएशन जनरेट करना सीखता है। एसोसिएशन का मतलब हो गया, पहले ऑब्जेक्ट्स को देखेगा, ऑब्जेक्ट्स को वो कुछ नाम देगा, उसके अगेंस्ट में उसको रिस्पॉन्स मिलेगा, तो उसके लिए ये फिक्स हो जाएगा कि इस वर्ड का ये मतलब है और ये ऑब्जेक्ट इस वर्ड से रिलेट करता है। ये हो गया आपका प्राइमरी स्टेप एसोसिएशन का, जो कि स्पीच साउंड से और ऑब्जेक्ट का रिलेशन डिफाइन करने का प्रोसेस है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, इस जो बच्चा 3 साल का या 2 साल का हो जाता है, उसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि वो सिमेंटिक प्रोग्रामिंग सीखता है। सिमेंटिक प्रोग्रामिंग मीन्स चीज़ों को मीनिंग्स देना सीखता है। सबसे पहले उसका बेसिक जो प्रोसेस होता है वो इस प्रोसेस में सीखता है कि जो उसको गोल चीज़ें दिखेगी वो उसको बॉल से ही रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एक एग्जांपल है, वो चांद को भी बॉल ही कहेगा क्योंकि उसको वो गोल ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। अगर उसको कुछ भी गोल दिखेगा, टायर को भी गोल देखेगा, तो भी वो उसको बॉल ही कहेगा। ये फर्स्ट प्राइमरी सिमेंटिक प्रोग्रामिंग प्रोसेस है लैंग्वेज एक्विजिशन का। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो कम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज मीन्स उसको ग्रामर, उसको किस प्रकार से प्रोनाउंस करना है, कौन सा प्रोसेस कहाँ इस्टेब्लिश होगा, कौन सा वर्ड एक्सक्लेमेटरी यूज़ हो रहा है, सिचुएशनल कंडीशन, वो धीरे धीरे सीखता है। इसे हम बोलते हैं कम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस। जो वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके साथ सीखता जाता है। लर्निंग ऑफ करेक्शन बिफोर अप्लाई बेसिक्स रूल, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, आपको पता है कि गो की सेकंड फॉर्म है जो, उसे बोलते हैं वेंट। लेकिन बच्चा ये नहीं जानता कि गो की सेकंड फॉर्म क्या है। वो जानता है कि ईडी अगर मैं किसी के पीछे लगा दूंगा तो वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बिफोर वेंट, वेंट को बोलने से पहले वो सीखेगा गोड, जी ओ ई डी। इस प्रोसेस को बोलते हैं लर्निंग ऑफ करेक्शन।
करेक्शन करना सीखता है वो, कि अपने आप को करेक्ट करता है, कि बच्चा जैसे बड़ा होता है तो उसको बेसिक रूल समझ आ जाता है कि जिस चीज़ के पीछे ईडी लगा रहेगा वो पास्ट टेंस से रिलेट करेगा, और वो प्रॉपर जैसे गो की सेकंड फॉर्म में वेंट वो नहीं जानता होगा, वो धीरे धीरे अपने आप को करेक्ट करना सीखेगा और गो से वेंट के ऊपर वो आ जाएगा। इसी प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट फाइंडिंग हुई थी, आई प्रोमिस स्टडी में बताया गया कि 3 साल के एक बच्चे के लिए आई प्रोमिस का मतलब अलग होता है और 10 साल के बच्चे के लिए इसका मीनिंग अलग होता है। उन्होंने इसमें 2 सिचुएशन इस्टेब्लिश की कि एक पहली सिचुएशन में बच्चा खुद बोलता है आई प्रोमिस, दूसरी सिचुएशन में कोई और उसे बोलता है कि तुम प्रोमिस करो और ये काम पूरा करो। दोनों ही सिचुएशंस में जो पहली सिचुएशन है वो बच्चे परिपूर्ण तरह से अपने आप को उसको मतलब ये कहें कि सरेंडर होके काम करते हैं। अगर बच्चा 3 साल का है तब भी वो यही चाहता है, आई प्रोमिस कर रहा है तो उस काम को करेगा, प्रोमिसली मीन्स सिंसियरिटी के साथ। और जो 10 साल का बच्चा है वो भी, लेकिन जो सेकंड स्टेज है जब दूसरे उसको मीनिंग देते हैं कि आपको प्रोमिस दिया गया है आप ये काम कीजिए, तो जो 3 साल का बच्चा है उसके लिए वो विदाउट मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, उसके लिए वो एक तरह से बिल्कुल अननोन वर्ड्स हैं, वो उन पे इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो 10 साल का बच्चा है वो दोनों को सेम तरह से प्रोसेस करेगा कि जो प्रॉमिस का मीन है वो सिंसियरिटी के साथ किसी काम को पूरा करने का प्रोसेस है, वो प्रॉमिस वर्ड का मीनिंग इस्टेब्लिश कर लेगा 10 साल का बच्चा, कि कोई दे चाहे वो खुद से प्रॉमिस करे या कोई उसे और कहे कि ये आपको ये काम पूरा करना है, ये आपका प्रॉमिस है या आपने मुझे प्रॉमिस किया है, तो वो जो मीनिंग है प्रॉमिस का वो 10 इयर्स के बच्चे के लिए प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो चुका है, लैंग्वेज डेवलपमेंट या फिर हम कहें प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज का जो हमारा क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन एक रेगुलर क्वेश्चन है जो वह एक साल छोड़ के एक साल के अंदर आता रहता है, या फिर आपसे स्टेप्स पूछे जा सकते हैं। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको आज का क्वेश्चन, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।